हेलो दोस्तों, आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पार्ट वन और पार्ट टू देखे थे। उसमें हम ब्लड से कुछ इन्फॉर्मेशन देखे थे और प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे। यदि आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप पहले पार्ट वन और पार्ट टू देख लें, फिर आप इस पार्ट थर्ड को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं तीसरा वीडियो पार्ट थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, आरबीसी के बारे में। आइए देखते हैं आरबीसी। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी क्या, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स या कणिकाएं या कोशिकाएं। दूसरी चीज, आरबीसी को हम जो है इरिथ्रोसाइट नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर हम तीसरा देखेंगे तो आरबीसी का कलर, इसका कलर कैसा होता है, तो आरबीसी का कलर होता है लाल। अब जब कलर लाल होगा तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या लिखते हैं, एच बी। जैसा कि हम पार्ट टू में बताए थे आप लोग को, हीमोग्लोबिन को हम एच बी भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यह हमारे रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है। कहने का मतलब आरबीसी जो है हमारे खून में सबसे छोटी कोशिका है। चौथा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कि ये आरबीसी जो होती है, आरबीसी की खोज किसने की है। तो हाँ, आरबीसी की खोज ल्यूबेन हॉक किसने की है, ल्यूबन हॉक महोदय ने किए थे। फिर इसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन, कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। पार्ट वन में हम आप लोग को बताए थे क्या, ब्लड के बारे में, कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में, और कहाँ पे, लीवर में भी। यहाँ हम क्या देखेंगे, आरबीसी। आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी भी क्या है, ब्लड के ही सेल्स हैं। जब ब्लड बनता है बोन मेरो में तो आरबीसी भी कहाँ बनेगा, बोन मेरो में। बोन मेरो बोले या फिर रेड बोन मेरो, कहीं कहीं आपको बोन मेरो लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको रेड बोन मेरो लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रेड बोन मेरो मतलब क्या हुआ, लाल अस्थि मज्जा, अब बोन मेरो क्या हुआ, अस्थि मज्जा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तीसरा फिर हम क्या देखेंगे, इसकी क्वांटिटी देखेंगे, कि आरबीसी जो होती है मेल में कितना होगी और फीमेल में कितना होगी। आइए जानते हैं मेल में। मेल में आपका होगा क्या, 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब क्या हुआ, कि आरबीसी मेल में 45 से 55 लाख के बीच होती है और फीमेल में क्या होगी, तो फीमेल में आपकी होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml क्या, हीमोग्लोबिन, ना कि ब्लड। इस यानी इससे हम यह भी कह सकते हैं क्या, 40 से 45 लाख। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। लाइफ स्पेन, जीवन काल। आपसे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, तो हम बोलेंगे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। इतना होता है, 120 दिन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, ये इसकी मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी मरती कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आरबीसी जो मरती है ये कहाँ पे, लीवर में, और कहाँ, एस्पिलिन में। एस्पिलिन को हम पलिहा या तिल्ली भी कहते हैं। तो आरबीसी कहाँ मरेगी, एस्पिलिन या तिल्ली में। अब देखिएगा कि इसका आकार कैसा होता है, आरबीसी जो है इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप आपका क्या होता है, राउंड या बायकनकेव, यानी क्या, गोलाकार होता है। अब बात आई थी कहाँ पे, यहाँ डेड मृत्यु की, एस्पिलिन की। तो एस्पिलिन से संबंधित दो क्वेश्चन हैं जो बार बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चन को क्या था, नोट में हम लिख दिए हैं क्या एस्पिलिन के बारे में। पहला पॉइंट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान हम किसे कहेंगे, एस्पिलिन को। आपसे यही पूछा जाएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान हम किसे कहेंगे, क्या बोलिएगा, एस्पिलिन को बोलिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कि ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहाँ होता है, एस्पिलिन में होता है। यानी आपसे ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे और आपको यही ध्यान रखना है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी एस्पिलिन ही होगा और क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी क्या
क्या होगा? स्प्लीन ही होगा। क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे। अब हम क्या देखेंगे ब्लड में, खून में हम देखेंगे क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। पहला देखेंगे हम क्वांटिटी के अनुसार, फिर देखेंगे हम साइज के अनुसार। अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे कि हमारे ब्लड में क्वांटिटी के हिसाब से कौन ज़्यादा पाया जाएगा, कौन कम पाया जाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी। फिर आरबीसी से थोड़ा सा कम क्या? प्लेटलेट्स। फिर क्या? डब्ल्यूबीसी। अगर हम बात करेंगे आरबीसी की, अगर आरबीसी मिलियन में पाई जाएगी, किस में? अगर आरबीसी मिलियन में पाई जाएगी तो प्लेटलेट्स किस में? लाखों में पाई जाएगी। ये किस में होगा? लाखों में। और ये डब्ल्यूबीसी फिर क्या होगा? हजारों में। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ब्लड में कौन सा सेल पाया जाएगा, ये क्या होगा? आपका आरबीसी। क्लियर है? अब आइए, अब हम क्या देखेंगे? साइज के अनुसार, आकार के अनुसार कौन बड़ा है, कौन छोटा है। देखिएगा, आकार के अनुसार क्या होगा? डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिका है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिका है। फिर देन इसके बाद क्या आएगा? आपका प्लेटलेट्स। फिर आपका आरबीसी। यानी अभी आपको हम पहले ही इंफॉर्मेशन दिए थे, क्या दिए थे? यहाँ देखिएगा, यह हमारे रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है, छोटी। तो यहाँ पे छोटी है ना जी, यानी सबसे बड़ा क्या हो गया? सबसे बड़ा हुआ क्या? डब्ल्यूबीसी। और सबसे छोटा क्या हुआ? आरबीसी। आपसे यही पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए हमारे रुधिर में, हमारे रुधिर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? क्या बोलिएगा? बड़ी है तो साइज होगा डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटी क्या होगा? आरबीसी। फिर पूछे आपसे क्वांटिटी के अनुसार, मात्रा के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसी मिलियन में। तो ये प्लेटलेट लाख में, डब्ल्यूबीसी हज़ार में। सबसे कम क्या पाया जाएगा? ये आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्या? फंक्शन देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, आरबीसी का काम क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या, O2 और CO2, ये O2 और CO2 का जो परिवहन होता है ये हमारा आरबीसी करता है। क्लियर है? यानी O2 को ले जाना, CO2 को ले आना, ले जाना, ले आना। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं आगे। अब खून आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन। अब देखिए, अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को मिला दें, अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिला रहेगा तो वो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर आएगा एक कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या दूसरी भाषा में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो मिला रहेगा उस खून का कलर कैसा होगा, उसका क्या होगा? लाल होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, क्या मिलावें? हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कब क्या होगा? कब ये आपका होगा क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका कलर होगा आपका क्या? काला। क्या होगा? काला। अब आइए फिर देखते हैं एक नोट। नोट में हम क्या देखेंगे? मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पूछेगा आपसे क्या आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? क्या कहिएगा? नहीं पाए जाते हैं। अब अपवाद इसका है, बार बार क्लास में भी हम चर्चा करते हैं आप लोग से क्या अपवाद, अपवाद पे ही ध्यान देना है। तो यहाँ भी हम कैसे अपवाद को भूल सकते हैं? आइए देखते हैं अपवाद। ये क्या अपवाद? अपवाद में आएगा आपका केमल और क्या? लामा। केमल और लामा। और इस पे को पता है ना अपवाद का मतलब ही क्या होता है? जो ऊपर का लाइन है उसका ये क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब क्या? अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो केमर और लामा दो ऐसे जीव हैं, जो दो ऐसे जानवर हैं, इनमें क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, आइए अब एक टर्म है सीरम का टर्म, आप लोग सुने होइएगा सीरम के बारे में। सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देंगे तो वो जो बनता है वो सीरम। अगर हम ब्लड लेते हैं, ब्लड को अगर उसमें से हम क्या करें, ब्लड
आप लोग को हम बताए थे प्लाज्मा में क्या बताए थे, ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन ये क्या काम करता था ब्लड क्लोटिंग में, क्लियर था। अगर हम प्लाज्मा में से ब्लड क्लोटिंग वाले प्रोटीन को निकाल लेंगे तो ऊपर जो हल्का पीला पीला भाग बनता है वही क्या होता है, सीरम। यानी कहने का मतलब क्या, आपसे पूछेगा बताइए क्या सीरम ब्लड क्लोटिंग में भाग लेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं, ब्लड क्लोटिंग करने वाले प्रोटीन को निकाल चुके हैं, तो बना था सीरम। और सीरम ये क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग में भाग नहीं लेता है। आया समझ में? अब देखिए, अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसमें क्या डिजीज ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी की बीमारी क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीरम देख लिए, सीरम हो गया, अब आइए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डिजीज ऑफ आरबीसी, क्या डिजीज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी से संबंधित कौन कौन से बीमारी हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आरबीसी की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी होती है, तो होती है एनीमिया रोग। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी होती है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या होती है, तो होती है पॉलीसीथेमिया, क्या होती है पॉलीसीथेमिया। अब पॉलीसीथेमिया में क्या होगा, पॉलीसीथेमिया में क्या होगा, आपका खून जो है अत्यधिक गाढ़ा बन जाएगा। अब अगर खून अत्यधिक गाढ़ा बन जाएगा तो हमें क्या परेशानी होगी, हाँ हमें परेशानी होगी, हम लोग का क्या होगा, सर्कुलेशन रुक सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा, एक तीसरा बीमारी क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे क्या, यह एक अनुवांशिक रोग है, यह एक जेनेटिक डिजीज है। अब अनुवांशिक रोग किसे कहेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो चलते रहे, उसे हम कहेंगे क्या, अनुवांशिक रोग। अब अनुवांशिक रोग होता कैसे है, ये क्या होगा, अगर आपके जीन में, डीएनए में या क्रोमोसोम्स में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, जीन में, डीएनए में या क्रोमोसोम्स में बदलाव होने से ही क्या होगा, अनुवांशिक रोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सिकल सेल एनीमिया भी क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। ये तो हुआ जान, अब हम क्या जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया का जब कंडीशन होगा या जब ये बीमारी होगा तो उसमें क्या परिवर्तन होंगे, क्या चेंज आएंगे। जैसे अभी पढ़े थे ना कि आरबीसी अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो एनीमिया हुआ था, खून की कमी हुआ था। आरबीसी ज़्यादा हो गया था तो क्या हुआ था, पॉलीसीथेमिया हुआ था, इसमें क्या हुआ था, खून क्या हुआ, अत्यधिक गाढ़ा बन गया था। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि आरबीसी का साइज कैसा होता है, गोलाकार या अंडाकार। आरबीसी का साइज क्या होगा, गोलाकार या अंडाकार, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में ये गोलाकार ना होके, अंडाकार ना होके ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है हाफ मून हो जाएगा। ये कैसा आपका होगा, हाफ मून, या इसे हम कह सकते हैं क्या, सिकल मतलब क्या, हाशिया जैसा, हाशिया समझते हैं ना, जिसे गेहूं काटते हैं घर पे, हम लोग घास लाते हैं काट के, मक्का काटते हैं, वो हाशिया। तो मतलब आरबीसी क्या होगा, गोला या अंडाकार ना होके क्या हो जाएगा, हाशिया के आकार का हो जाएगा, या हाफ मून, देखे हैं ना हाफ, रात में अगर हाफ मून मतलब क्या, बीर्थ आधा आधा हो गया, हाफ मून हो गया, तो ये क्या होगा आपका, हाफ मून। आपसे यही पूछा जाता है सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा होता है, हाफ मून जैसा होता है या हाशिया जैसा होता है। आ गया समझ में? तो यही आपका क्या था, कंप्लीट आरबीसी। अब अगर आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में या जिस भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा अगर उसमें आरबीसी से क्वेश्चन रहेगा तो वो इससे बाहर नहीं, आपके कॉपी से बाहर नहीं रहेगा, बस आप इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाहर रहेगा ही नहीं। और अब हम जो हम लोग का पार्ट फोर यानी क्या चौथा पार्ट आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे WBC, क्या पढ़ेंगे WBC, और फिर इसी तरह से पढ़ेंगे प्लेटलेट्स और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, आज हमने कंप्लीट किया क्या, RBC।
अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।